हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को लक्ष्मी का स्टिचिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ मेखला कटिंग एंड स्टिचिंग और मेखला में फॉल्स किस तरीके से लगाया जाता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, मेखला मैं ली हूँ। मेखला को बराबर रखूँगी, फूल दो दो साइड में फूल होता है तो दोनों फूल को अच्छे से मैं मिला के रखूँगी और उसके बाद कटिंग करूँगी। इधर आप लोग देख सकते हो, दोनों फूल को मैं अच्छे से मिला के रख रही हूँ और उसके बाद मुझे जो मेखला का कपड़ा है उसे कटिंग करना है। ऊपर के साइड में बंद है तो उसे मुझे कट करके ओपन करना है। ओपन करना है, इधर मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। दोनों फूल को अच्छे से रखना है मिला के, फूल जो मेखला में जो फूल रहता है वो फूल को अच्छे से मिला के हमें रखना है और उसके बाद कटिंग करना है ताकि सिलाई करते वक्त हमारा फूल जो है ऊपर नीचे ना रहे, बराबर रहे। तो इधर मैं मिला ली हूँ और अभी मैं कटिंग करूँगी। ऊपर के साइड बंद है तो उसको मुझे कटिंग करना है और उसके बाद मुझे मेखला को स्टिच करना है, सिलाई करना है। तो चलिए फिर, मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। अच्छे से ध्यान से कटिंग करना है और फूल को अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद कटिंग करना है। तो चलिए, और आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं मेखला को कटिंग कर ली हूँ। ये है, दो पार्ट में हो जाता है कटिंग करने के बाद और उसके बाद सिलना पड़ता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, दो है। तो किस तरीक़े से सिलना है मेखला को मैं बता रही हूँ अभी। तो इधर मेखला को मैं रख ली हूँ सीधे साइड में और इसी के ऊपर मुझे उल्टा करके रखना है। तो ये है सीधा मेखला और इधर ये है उल्टा, यानी कि दोनों सीधे सीधे साइड को रखना है और उल्टे साइड में हमें सिलना है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। दोनों सीधा सीधा रखना है और ऊपर उल्टे साइड में हमें सिलाई करना है और उसके बाद इधर आप लोग देख सकते हो। तो ये देख सकते हो आप लोग। तो चलिए फिर मैं अभी स्टिच करती हूँ, सिलाई करती हूँ। अभी मैं इधर आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो इधर आप लोग देख सकते हो, ये सीधा है और उसी के ऊपर सीधा करके दोनों, यानी कि सीधा सीधा रखना है और हमें उल्टे के साइड सिलाई करना है और उसके बाद ये देखिए आप लोग देख सकते हो। और तो चलिए फिर मैं हाफ इंच तक सिलाई करूँगी। हाफ इंच हमें छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, हाफ इंच छोड़ के उसके बाद सिलाई करना है। तो अभी मैं आप लोगों को कटिंग कैसे करता है बता दी हूँ। अभी मैं मेखला कैसे किस तरीके से सिलाई करते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो, हाफ हाफ इंच छोड़ के हमें सिलाई करना है, साइड में सिलाई करना है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, मैं साइड में सिलाई कर ली हूँ, हाफ हाफ इंच छोड़ के मैं सिलाई कर ली हूँ। अभी मैं इसमें फॉल्स लगाऊँगी। किस तरीके से लगाना है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो किस तरीके से फॉल्स लगाना है आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो मेखला का कपड़ा है हमें सीधा करके रखना है, ये सीधे के साइड में हमें पहले फॉल्स को सिलना है, उसके बाद पलट के अंदर के तरफ हम फॉल्स को लेंगे। तो इधर मैं ऊपर मेखला के ऊपर फॉल्स रखती हूँ और इसको भी हाफ हाफ इंच लेकर ही सिलना है, ज़्यादा नहीं लेना है, हाफ इंच लेकर सिलना है। तो मेखला को सीधा रखना है और उसी के ऊपर फॉल्स रख के हमें सिलना है, हाफ इंच छोड़ के सिलना है। और इधर मैं सिल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो अच्छे से सिलना है, इधर उधर नहीं करना है, बराबर हाफ हाफ इंच लेकर ही सिलना है। तो चलिए फिर मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर आप लोग देख सकते हो, हाफ इंच लेकर मैं फॉल्स को सिल ली हूँ। अभी मैं पलट दूँगी, पहले मैं सीधा करूँगी फॉल्स को, उसके बाद ऊपर से मैं चाप सिलाई दूँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो, जो इधर ऊपर से मैं चाप सिलाई दूँगी उसके बाद मैं फॉल्स को अंदर की तरफ पलट दूँगी। तो हमें चाप सिलाई देना ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए फिर मैं सिल लेती हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो, मैं अच्छे से चाप सिलाई दे दी हूँ। अभी जो ये फॉल्स है, फॉल्स को मैं अंदर की तरफ मोड़ दूँगी और उसके बाद फिर से मैं हाफ इंच तक सिलाई करूँगी। तो
इधर आप लोग देख सकते हो मैं फॉल्स का अंदर की तरफ मोड़ दी हूँ और जो मेखला में जो डिजाइन बना हुआ है फूल बना हुआ है उससे नीचे हाफ इंच हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के फिर सिलाई करना है। हाफ इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई करना है। इधर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ तो इधर जो फूल बनाया हुआ है डिजाइन है उससे हाफ इंच नीचे मैं सिलाई कर रही हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो ताकि जो हमारा फूल भी अच्छे से दिखे। तो फूल का बराबर नहीं सिलाई करना है, हाफ इंच नीचे करके हमें सिलाई करना है। तो इधर आप लोग देख सकते हो अच्छे से सिलाई करना है ताकि फूल हमारा अच्छे से उभर के आए, अच्छे से दिखे और जो कपड़ा है वो भी अच्छा लगे देखने में। तो इधर फूल से हाफ इंच नीचे में सिलाई कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ मैं सिलाई कर ली हूँ फॉल्स को। अभी मैं इसको पलट दूँगी, उल्टा साइड में लूँगी, जो मेखला है उसको मैं उल्टा कर लूँगी और ये जो फॉल्स है अभी मैं इस तरफ सिलूँगी, ऊपर के साइड सिलूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद मैं फॉल्स को सिलूँगी, ऊपर के साइड सिलूँगी। तो इधर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से कट कर ली हूँ और ध्यान से कट करना है, हमारा मेखला का कपड़ा कट ना हो जाए। तो इधर आप लोग देख सकते हो जो फॉल्स है इसको भी मैं हाफ इंच मोड़ के फूल के बराबर करूँगी और उसके बाद उसी के ऊपर मैं अच्छे से सिलाई कर लूँगी। फूल के बराबर सिलाई करना है ताकि जो हमारा धागा है ना दिखे। अगर हम फूल के ऊपर करेंगे तो धागा दिखाई देगा, तो फूल के बराबर हम करेंगे तो धागा नहीं दिखेगा। तो अच्छे से मैं हाफ इंच अंदर करके मोड़ ली हूँ और फूल के ऊपर ऊपर ही मैं सिलाई कर रही हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो अच्छे से ध्यान से सिलाई करना है ताकि इधर उधर ना हो। तो चलिए फिर मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से सिलाई कर ली हूँ। तो आप लोगों को उठा के भी मैं दिखा रही हूँ फॉल्स को। तो अच्छे से मैं सिलाई कर ली हूँ। अभी मैं मेखला का जो साइड है एक साइड तो मैं सिल ली हूँ, अभी दूसरा साइड है, दूसरा साइड को भी हमें सिलना है, उसी तरीक़ा से सिलना है जिस तरीक़ा से मैं दिखाई थी आप लोगों को। सीधे के ऊपर सीधा रख के फिर सिलना है उल्टे साइड में। तो इधर आप लोग देख सकते हो ये है सीधा, फिर उसके ऊपर इस तरीक़ा से रखना है और हमें सिलना है। इस तरफ भी हमें हाफ हाफ इंच छोड़ के ही सिलना है। तो ये वाला मेखला में दोनों साइड ओपन था और ऊपर के साइड बंद था, तो ऊपर के साइड कट करके हमें दोनों साइड सिलना पड़ा। तो इधर आप लोग देख सकते हो इस तरफ भी मुझे हाफ इंच छोड़ के ही सिलना है। तो चलिए फिर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके, और प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं सिलाई कर लेती हूँ। यह ऊपर का साइड जो ओपन एरिया था, ऊपर में जो मैं कट की थी उसी साइड है। तो इसको भी मैं एक इंच मोड़ूंगी, पहले हाफ इंच उसके बाद फिर से हाफ इंच मोड़ के मैं सिलाई करूँगी, यानी कि एक इंच सिलाई करूँगी, एक इंच मोड़ूंगी। फर्स्ट में हाफ इंच, फिर से दोबारा हाफ इंच मोड़ के फिर हम मैं सिलाई करूँगी। और अच्छे से सिलाई करना है, बराबर सिलाई करना है, ध्यान से सिलाई करना है ताकि हमारा जो सिलाई है इधर उधर ना हो। और बहुत ही इजी है सिलाई करना, मेखला सिलाई करना भी बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान से देखने से हमें आ जाएगा किस तरीक़े से सिलना है। तो चलिए फिर मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को मेखला का। तो हेलो गाइस, इधर मैं मेखला सिल ली हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो अच्छे से मैं सिल ली हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो
चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।